जो परिणाम दिया है उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते हो और बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है कि टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो वो न करो। कभी चोट हो गई तो माँ कहती नहीं, अब तो नहीं जाना है, अब मैंने तो ये चोट नहीं होने दू। और इसलिए आपके माता पिता भी वंदन के अधिकारी हैं। आप कभी पर्दे पर तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी पर्दे पर आते नहीं, लेकिन ट्रेनिंग से पोडियम तक ये जो सफर है ना, ये इन लोगों के बिना संभव ही नहीं है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x400 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, गुड़